जो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोसों के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, जब भी यहाँ पे सत्य नहीं लिखा है इसका मतलब है आपको गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, कि निम्न में से तीन सही होंगे और एक गलत होगा। ठीक है, तो पहला लिखा है इसमें कि ये संपीड होते हैं और कठोर होते हैं। ठीक है, संपीड मतलब जिनको दबाया जा सके। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यही पहला वाला आंसर आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनको दबाया नहीं जा सकता ठोसों को। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे सही रहेंगे। देखिए, इस ठोसों में अंतरार्णविक दूरी कम होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठोसों में अंतरार्णविक बल प्रबल होता है, ये भी सही है। इनका आकार, आयतन और जो मात्रा है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर एक है वो यहाँ पे ठोसों का गुण नहीं है। सेकेंड, कि क्रिस्टली ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है कि ये दीर्घ परासी व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टली ठोस ये सही है। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखते हैं ये। ठीक है, बहुत लंबी दूरी तक एक सी व्यवस्था यहाँ पे इनकी होती है। ऑप्शन बी है कि इनका गलनांक उच्च होता है ठोसों का, बिल्कुल सही है। ये विषमदर्शी होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और इस प्रकार आंसर डी यहाँ पे सही रहेगा, ये सभी आंसर यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे आंसर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन थ्री, इसमें पूछा है कि ठोस सिलिकॉन ऑक्साइड और अमोनिया कौन से ठोस के उदाहरण हैं। यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए। ठीक है, ध्रुवीय आण्विक ठोस हैं ये। ठीक है, दोनों में क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए ये ध्रुवीय आण्विक ठोस हैं। ठीक है, अध्रुवीय तो बिल्कुल नहीं होते हैं और ना ही इनमें हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक, हाइड्रोजन बंध अमोनिया में होता है लेकिन इसमें नहीं हो पाता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसमें निम्न में कौन सा आण्विक ठोस है, तो अपने को यहाँ पे आण्विक ठोस पहचानना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, आयोडीन क्या है, यहाँ पे आण्विक ठोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों फोर, कि एक ठोस एक्स अत्यधिक कठोर है। ठीक है, इसका गलनांक उच्च है, ठोस अवस्था में यह कुचालक है लेकिन पिघली हुई अवस्था में ये चालक है। ठीक, चालक है यहाँ पर एक्स है, तो बच्चों एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आयनिक ठोस है ये है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, आयनिक ठोस। तो बच्चों यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है। NaCl क्या होता है, अत्यधिक कठोर भी होता है। ठीक है, गलनांक भी उच्च है और ठोस अवस्था में ये कैसा होता है, कुचालक होता है, लेकिन मोल्टन स्टेट या विलयन अवस्था में क्या हो जाते हैं, ये आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ पे ये चालक हो जाता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन आयनिक ठोस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सहसंयोजक क्रिस्टल, तो यहाँ पे बच्चों आंसर है यहाँ पे बी, सिलिकॉन। ठीक है, ये सहसंयोजक ठोस बनाता है ये। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट देखते हैं सेम वैसे ही होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, की त्रिंताक्ष क्रिस्टल में अक्षीय कोण होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी आता है, जो त्रिंताक्ष में जो तीनों कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ना तो अल्फा बराबर होता है बीटा के, ना ही बीटा बराबर होता है गामा के, ना ही ये तीनों बराबर होते हैं 90 के, ये कंडीशन सही रहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, फलक केंद्रित घनी जालक में, सबसे पहले एक फलक केंद्रित घनी जालक अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ए परमाणु जो है कोनों पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू डॉट वाले हैं ये मान के चलो कि आपके ए हैं। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है। यहाँ पे बोला है कि यदि बी का एक परमाणु फलक केंद्रित बिंदु पर उपस्थित नहीं है तो यौगिक का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल 5 फलकों पे यहाँ पे परमाणु बनाएंगे। ठीक है, 6 टोटल फलक होती हैं लेकिन एक में क्या है, अनुपस्थित। तो इस प्रकार यौगिक का सूत्र निकालना है। तो यहाँ पे जो बी हैं बच्चों ये कितने हो गए, 5। ए हैं ये टोटल 8 हैं। ठीक है, यहाँ पे कोने में जो परमाणु उपस्थित रहता है उनका योगदान कितना रहता है, 1/8। साथ ही साथ जो बी परमाणु हैं ये फलकों में उपस्थित हैं, 5 फलकों में उपस्थित हैं, और फलक में उपस्थित परमाणु का योगदान कितना रहता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ पर 5b/2। फिर यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनली A2 और बी कितने हैं यहाँ पे, 5। ठीक है, तो आंसर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रिस्टल में अधिकतम संकुलन क्षमता होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो SCP और जो CCP ऑप्शन ए है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74%। ठीक है, अर्थात इसकी भी 74% रहेगी और इसकी 74। ठीक है, और BCC जो है, ठीक है, इसका तो कम होता है, 68%। ठीक है, 68 और यहाँ पे 74। ठीक है, तो
इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये संकुलन क्षमता आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए कि जो सरल घनी जालक रहते हैं इसकी संकुलन क्षमता रहती है 52.4, ठीक है। जो BCC जालक हैं इनकी रहती है 68%, और इसके बाद जो FCC, SCP और CCP तीनों की कितनी रहती है 74%, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उदाहरण शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो आंसर बी है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जो AGBR है ये शॉटकी एवं फ्रेंकल दोनों दोषों को दर्शाता है। बच्चों यहाँ पे फ्रेंकल दोष को अपन विस्थापन दोष बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें अपन, यहाँ पे तो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये ऐसे जालक हैं जो फ्रेंकल दोष दर्शाते हैं। और जो शॉटकी दोष है बच्चों, ये NaCl है, KCl है, CSCl है और AGBR, ठीक है, ये शॉटकी दोष दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो AGBR है ये ये क्या होता है, फ्रेंकल एवं शॉटकी दोनों दोषों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपने को सही जोड़ी बनाना है, कॉलम ए एवं कॉलम बी में इनको मिलान करना है। कॉलम ए में ठोसों के प्रकार लिखे हैं, कॉलम बी में यहाँ पे गुण लिखे हैं उनके, इन दोनों को मैच करना है। तो जो आयनिक ठोस है बच्चों, आयनिक ठोस का क्या गुण होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जो आकर्षण तथा कोलम्बिक बल बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन आयनिक बंध बोलते हैं, ठीक है, तो कोलम्बिक बल यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे जो आंसर ए है यहाँ पे ये सही रहेगा। बच्चों जो धात्विक ठोस है इनका गुण रहता है कि अघातवर्तनी और तन्य रहते हैं, ठीक है, धातु कैसे होते हैं, अघातवर्तनी एवं तन्य, तो आंसर यहाँ पे बी लिख देंगे। तो बच्चों जो ध्रुवीय आण्विक ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और पोलर होने के कारण इसमें डायपोल डायपोल जो पारस्परिक प्रभाव ये देखने को मिलता है, द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक प्रभाव, तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाए यहाँ पे सी। और अंत में बचता है यहाँ पे बच्चों नेटवर्क ठोस, तो नेटवर्क ठोस आप सभी को पता है हीरा एवं ग्रेफाइट नेटवर्क ठोस कहलाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका डी। अब बच्चों फिर से यहाँ पे सही जोड़ी है जिसमें कॉलम ए में गैसों के प्रकार हैं और कॉलम बी में क्या है एग्जांपल लिखे हैं, तो अपने को यहाँ पे मिलाना है। तो अब देखो यहाँ पे पहला लिखा है अध्रुवी अणु, ठीक है, तो जो अध्रुवी अणु है बच्चों इसका आंसर यहाँ पर रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये इसमें पोलरता नहीं पाई जाती, अध्रुवी होता है ये। बात करें जो धातु क्रिस्टल हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर Mg, मैग्नीशियम कैसा होता है इसको, धातु के गोड़े यहाँ पे पाए जाते हैं, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा और इसका रहेगा यहाँ पे बी। फिर है जो नेटवर्क ठोस है, नेटवर्क ठोस क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे सिलिकॉन के ऑक्साइड का होते हैं नेटवर्क ठोस होता है। तो बच्चों बचा है यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड, ये कैसा होता है यहाँ पे आयनिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे इसका आंसर डी कर देंगे। बच्चों यहाँ पे तीन कॉलम अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी और कॉलम सी, इनको मिलाना है अपने को। तो यहाँ पे जो चतुष्फलकी जालक होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं, ठीक है, इसका आंसर बच्चों यहाँ पे ये सेकंड वाला सही रहेगा। इसमें क्या होता है कि ए जो तीनों भुजाएं हैं ए और बी और सी, ये बराबर बराबर रहती हैं और इनमें जो कोण रहता है, ठीक है, ये भी 90 के बराबर होता है, ठीक है, अल्फा बीटा एवं गामा तीनों 90 रहते हैं, ठीक है। करें अपन यहाँ पर जो त्रिकोणी है इसका आंसर यहाँ पे ये रहेगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे जो दो भुजा हैं ए और बी ये बराबर रहती हैं और सी जो रहती है ये बराबर नहीं होती है। इसी प्रकार यहाँ पे जो कोण हैं ये तीनों बराबर होते हैं, लेकिन तीनों क्या होते हैं 90 के बराबर यहाँ पे नहीं होते। बात करें अपन एकांक तत्व की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है पहला है ये सही रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें तीनों जो भुजाएँ हैं ए बी सी ये तीनों बराबर भी नहीं होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो अल्फा एवं गामा है ये 90 के बराबर होते हैं और जो बीटा है ये 90 के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड क्या होते हैं कुचालक या चालक की भांति व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है, जो ताप पर निर्भर करते हैं, अर्थात ताप के प्रभाव से ये क्या हो जाते हैं चालक बन जाते हैं, नहीं तो ये कुचालक रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड है ये क्या होता है, ये इस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, जो ताप पर इसकी चालकता निर्भर करती है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे सही जोड़ियों को मिलान करना है अगले क्वेश्चन में, कि कुछ घनी तंत्र दिए हैं और इनको इनके उदाहरण से मैच करना है, ठीक है। तो जो सरल घनी तंत्र रहता है ये रहता है बच्चों यहाँ पे किसमें, NaCl में, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे NaCl। फिर बात करें अपन यहाँ पे त्रिंताक्ष की, तो जो त्रिंताक्ष प्रकार का जो घनी तंत्र है ये पाया जाता है, ठीक है, K2Cr2O7 में, और जो चतुष्कोणी घनी तंत्र है ये पाया जाता है बच्चों यहाँ पे किसमें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड में, और जो षटकोणी है ये पाया जाता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सी परिस्थिति ठोस अवस्था में पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाती है।
कौन सी ऐसी परिस्थिति रहेगी जो ठोस अवस्था के लिए अनुकूल रहेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यदि अपन उच्च ताप कर दें तो यहाँ पे ठोस अवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे ठोस उपस्थित नहीं रहेगा, मेल्ट हो सकता है, ठीक है। उच्च ऊष्मीय ऊर्जा से भी ये होगा, तो दुर्बल संसंजक बल जो है बच्चों ये भी क्या होता है, ठोस अवस्था की उपस्थिति के लिए सही नहीं है। केवल केवल जो आंसर बी है निम्न ताप, ठीक है, ये यहाँ पे आंसर सही रहेगा, ठीक है। निम्न ताप में ठोस एग्जिस्ट करेंगे, स्थायी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टली ठोस का नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर बी है ये सही रहेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टली ठोस है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट है, फिटकरी है, और जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये कैसे होते हैं, क्रिस्टली होते हैं। और जो अक्रिस्टली ठोस है ये क्या होता है, क्वार्टज कांच, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है कांच अक्रिस्टली ठोस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि अक्रिस्टली ठोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अक्रिस्टली ठोस के बारे में देखना है कि निश्चित ताप पर गर्म करने पर क्रिस्टल बन सकते हैं, तो ये सही है। लंबे समय तक रखने पर ये क्रिस्टली बन जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अक्रिस्टली ठोसों को गर्म करके ढाला जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर डी, ठीक है, क्योंकि ये इसका गुण नहीं है, ठीक है। जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विषमदैशिक। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि क्रिस्टली ठोसों का अधिकतम गलनांक का कारण होता है, मतलब क्रिस्टली जो ठोस हैं ये अधिकतम गलनांक दर्शाते हैं, क्यों। तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ पराशी व्यवस्था आंसर रहता है, ठीक है, आंसर यहाँ पे बी आएगा। तो यहाँ पे है कि अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टली ठोसों में एक अधिकतम दूरी तक देखा जाता है, ठीक है। एक जैसी व्यवस्था ये बहुत लंबी दूरी तक रखते हैं, ठीक है, समान व्यवस्था, इसको बोलते हैं दीर्घ पराशी व्यवस्था। और इसी के कारण क्या होता है, इनका गलनांक अधिक होता है और ये क्रिस्टली ठोसों का एक आईएमपी गुण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो क्वार्टज कांच होता है बच्चों ये कैसा होता है, अक्रिस्टली ठोस होता है, और अक्रिस्टली ठोस का गुण होता है क्या, विषमदैशिकता, ठीक है, ये विषमदैशिक होते हैं, ठीक है। और विषमदैशिक अर्थात यहाँ पे सभी दिशाओं में ये क्या हो जाएगा, समान, क्योंकि यहाँ पे जो भौतिक गुण है अपवर्तनांक, ठीक है, ये विषमदैशिकता को यहाँ पे दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टली जालक में जो आयोडीन के अणु है किस गुण द्वारा बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ठीक है, लंदन बल, ये यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से नेटवर्क ठोस है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या जाएगा, हीरा, ठीक है, एक नेटवर्क ठोस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ठोस हैं जो विद्युत के चालक नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है और जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये तो विद्युत के चालक हैं, जो आंसर तीन और जो चार हैं, ठीक है, मतलब ठोस आयोडीन और H2O ठोस, ठीक है, ये विद्युत की चालकता यहाँ पे नहीं दर्शाते, तो आंसर यहाँ पे सी रहेगा। अब पूछा गया है बच्चों अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में आयनिक ठोसों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो जो आयनिक ठोस हैं ये भंगुर प्रकृति के भी होते हैं, ठीक है, बहुत प्रबल अंतरक्रिया बल होता है आयनिक बल, ठीक है, और यहाँ पे ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि सारे क्रिस्टल कैसे होते हैं, विषमदैशिकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यहाँ पे ये सही रहेगा कि द्रवीय अवस्था में विद्युत चालकता का मान बहुत कम होता है, जबकि यहाँ पे जो जैसे अपन NaCl की बात करें तो ये मोल्टन स्टेट में क्या हो जाते हैं, प्रबल विद्युत चालकता दर्शाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, ठीक है, तो जो NaCl क्रिस्टल है बच्चों कैसा होता है, FCC प्रकार का होता है, फलक केंद्रित घन, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम में क्या होता है, CS सीजियम धनायन है, इसकी समर्पण संख्या 8 हो, तो जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, Cl- आयन, इसकी समर्पण संख्या होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड जो घनी जालक है इसमें समर्पण संख्या दोनों की कैसी रहती, बराबर रहती, 8-8, मतलब 8 सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन द्वारा यहाँ पे घिरे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका उदाहरण है बच्चों यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, यहाँ पे षटकोणी होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि मोम उदाहरण है, तो आप सभी को पता है मोम कैसा होता है, अक्रिस्टली होता है, तो यहाँ पे अक्रिस्टली आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया कि अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अर्थात BCC प्रकार की जो
क्रिस्टल है, इसमें परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या बच्चों, दो, क्योंकि जो सरल घनी रहती हैं ठीक है इसमें परमाणुओं की संख्या जेड बराबर होता एक, ठीक है जो बीसीसी है इसमें जेड बराबर होता दो परमाणुओं की संख्या, और एफसीसी जो है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है चार, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों की चतुष्फलक सममिति के लिए जो त्रिज्या का अनुपात है वो कितना होगा, तो यहाँ पे त्रिज्या अनुपात अपन बोलते हैं आर धनायन और आर ऋणायन इनका अनुपात, तो ये होता है 0.225 से कितना होता है 0.414 तक, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा डी। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो अपन यहाँ पे ये टेबल में देख लेते हैं कि जो त्रिज्या अनुपात है ठीक है ये त्रिकोणीय सममिति के लिए कितना होता है 0.155 से 0.225 तक, ठीक है। और यदि इसका एग्जांपल की बात करें तो बोरॉन ऑक्साइड है। इसी प्रकार यदि बात करें अपन चतुष्फल की, जैसे कि अपन से पूछा गया है यहाँ पे, तो चतुष्फल की व्यवस्था के लिए जो त्रिज्या अनुपात है वो कितना रहता है 0.225 से 0.414 तक, ठीक है। एग्जाम्पल होता है जिंक सल्फाइड, ठीक है। अगली बात करें अपन अष्टफल की व्यवस्था, ठीक है, अष्टफल की सममिति के लिए जो त्रिज्या अनुपात है ये कितना होता है 0.414 से 0.732 तक होता है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और जो सामान्य घनी व्यवस्था है इसके लिए क्या होता है यहाँ पे सीजियम क्लोराइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे 0.732 से 1 तक, ठीक है, ये यहाँ पे त्रिज्या अनुपात हो जाएंगे। अगला है कि धनायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, तो उसको बच्चों कहते हैं क्या, एफ केंद्र। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और इस प्रकार से बार बार पूछा जाता है कि इकाई सेल का घनत्व क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इकाई सेल का घनत्व डी बराबर क्या होता है जेड इंटू एम और ए क्यूब और एवोगैड्रो यहाँ पे संख्या, ठीक है, तो ये क्या होता है अपना इकाई सेल का घनत्व होता है, इसको आपको याद करना है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रेग समीकरण है, जो ब्रेग समीकरण होता है ये क्या होता है एन लैम्डा, ठीक है, बराबर क्या होता है 2d sin थीटा, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है।